जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से लाभार्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट निकाल के आ चुका है। लाभार्थी का जो खाते है, खाते में अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा ट्रांसफर कर दिया है। अगर आपको अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा अब तक नहीं मिला है तो दोस्तों वीडियो का लास्ट तक बना रहिएगा, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पैसा है, पैसा लाभार्थियों के खाते में दिया जाएगा। अगर आपका खाते में अब तक पैसा नहीं आया तो दोस्तों आपके खाते की जो स्टेटस है, पेमेंट डिटेल्स है, ये चेक करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पेमेंट है ये अप्रूव हो चुका है। अगर आपका स्टेटस पर पेमेंट अप्रूव हो चुका है तो दोस्तों आपको 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच 100% आपके खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ऑलरेडी बहुत से लाभार्थियों का खाते में किसी का 20,000, किसी का 27,000, किसी को 30,000, मतलब 20,000 से लेकर 30,000 तक, 30,000 तक ये ऑलरेडी पैसा आपके खाते में आ चुका है, अभी विदाउट क्लेम। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एक तहत होता है जो 100 रुपये से लाभार्थी आवेदन करता है, उन सभी लाभार्थियों को 20 से लेकर 30,000 की अमाउंट दिया जाता है। अगर आपका फसल खराब हो जाता है, अगर आपने क्लेम किया है, तो दोस्तों आपको जितने भी क्लेम अमाउंट होगा 2 लाख 2.5 लाख सभी आपके खाते में आएगा। लेकिन विदाउट क्लेम से जिन लाभार्थियों का पैसा आ रहा है, उन सभी लाभार्थियों का खाते अभी चेक करना होगा। क्लेम डिटेल्स भी अप्रूव हो चुका है। अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन किया तो साल में 20,000 से लेकर 30,000 अपने अकाउंट पर ट्रांसफर किया जाता है। अगर आपने इसी साल में अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला तो दोस्तों वीडियो का लास्ट तक बना रहिएगा, आपको चेक करना होगा कि आपका पेमेंट डिटेल्स पर पेमेंट अप्रूव हुआ कि नहीं। इसी वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी शेयर करेंगे। अगर आपको पेमेंट अप्रूव होगा तो दोस्तों आपको 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो भी पैसा है, पैसा आपके खाते में दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले अभी आपको फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करना है, उसके बाद और एक पेज पॉपअप के थ्रू ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, ये जो लिखा है लॉग इन फॉर फार्मर, सभी को यहाँ पर ही क्लिक करना है। करने के बाद और एक पेज ओपन हो जाएगा। अभी आपको सिंपली मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये जो कैप्सा है, कैप्सा यहाँ पर डालना होगा। कैप्सा डालने के बाद रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी पर क्लिक करना होगा। करने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है तो ओटीपी डाल के सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको ओटीपी नहीं मिला तो अभी आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद ये जो कैप्सा है, कैप्सा यहाँ पर डाल के दोबारा आपको रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी पर क्लिक करना होगा। रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पर 6 अंकों का ओटीपी मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक करना होगा। अगर आपको ऑलरेडी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से मोबाइल नंबर डालने के बाद ही ओटीपी मिल चुका है तो आपको इसी तरह ओटीपी डाल के सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो वेब पोर्टल है यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन होने के बाद सबसे पहले आपको नीचे तरफ जाना होगा, आके आपको फार्मर के डिटेल्स मिल जाएगा। फार्मर के डिटेल्स पर फार्मर की नाम, फार्मर की डिजिट नेम, मोबाइल नंबर क्या होता है, फार्मर की आईडी क्या होता है, आधार नंबर क्या है, रेसिडेंट एड्रेस सभी आपको यहां पर मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको पॉलिसी डिटेल्स को चेक करना होगा, जैसे कि लाभार्थी का नो पॉलिसी फाउंडर है। जिन लाभार्थियों का नो पॉलिसी फाउंडर है उन सभी लाभार्थियों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा इस साल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से पैसा पाने के लिए यहां पर आपको अमाउंट शो करना, क्लेम स्टेटस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक स्टेटस मैंने आपको दिखाने वाला हूं, इसी वाले स्टेटस पर क्या बता रहे, पॉलिसी नंबर यहां पर शो कर रहा है, क्रेडिट डेट यहां पर शो कर रहा है, साम एस्टिमेट देखिए 55,600 शो कर रहा है। मतलब ये लाभार्थी को 20 से लेकर 25,000 तक अपने खाते में तो आ जाएगा। अगर क्लेम करेगा, अगर आपका फसल खराब हो चुका है तो 255,600 आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन जिन लाभार्थियों ने क्लेम नहीं किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा अब तक एक भी नहीं मिला है, उन सभी लाभार्थियों को अगर इसी तरह लिखा होगा तो दोस्तों आपका पैसा आज नहीं तो कल आ सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या बता रहे, टोटल क्लेम पेड 0 आ रहे हैं। तो दोस्तों टोटल क्लेम पेड 0 आने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सभी को क्या करना होगा, ये जो टोटल क्लेम पेड आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। करने के बाद ऊपर की तरफ एक पॉपअप ओपन हो जाएगी, यहाँ पर बताया जाएगा देखिए क्लेम पेड डिटेल्स, मतलब क्लेम आपका अब तक एक भी पैसा आपके खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ, इसके लिए यहाँ पर नो आ रहा है, मतलब कोई भी अमाउंट लिखा नहीं आ रहा है, अकाउंट नंबर लिखा नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर लिखा नहीं आ रहा है, यूटीआर नंबर लिखा नहीं आ रहा है और पैसा की अमाउंट भी लिखा नहीं आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, अगर आपको पैसा आज नहीं तो काल मिलेगा, इसके लिए आपको कैसे चेक करना होगा, नीचे तरफ जाना होगा। आने के बाद देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर शो कर रहे हैं और ये जो बता रहे स्टेटस पॉलिसी अप्रूवल बता रहे हैं और ये जो व्यू करके लिखा रहे इसी पर क्लिक करना होगा। करने के बाद देखिए ऊपर की तरफ पॉपअप ओपन हो चुका है, यहाँ पर बता रहे देखिए अकाउंट नंबर शो कर रहे, क्लेम की टाइप बता रहे, लेकिन क्लेम अमाउंट यहाँ पर शो नहीं कर रहे, लेकिन क्लेम डेट यहाँ पर शो कर रहे, क्लेम की जो डेट ये जो बता रहे देखिए क्लेम का डेट कब आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा इसका डेट यहाँ पर शो कर रहे, मतलब दिसंबर महीना में ये लाभार्थी का खाते में
पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं और क्लेम का जो अमाउंट है ये भी कैलकुलेट हो चुका है। जिन लाभार्थियों का इसी तरह अमाउंट बता रहे हैं उनसे भी लाभार्थियों के खाते में पैसा तुरंत ही दिया जाएगा। अगर टोटल क्लेम पेड की जगह जीरो आएगा कोई मतलब नहीं है। अगर आपका अप्रूवल के साइड में व्यू की जगह एग्जाम्पल के तहत यहाँ पर व्यू की जगह अगर आपका अमाउंट शो करेगा डेट शो होगा तो दोस्तों आपका खाते में पैसा दिया जाएगा। अभी आप सबको कमेंट करके बताना होगा कि आपका कहाँ पर जीरो आ रहा है और आपका जो क्लेम अप्रूव हुआ कि नहीं। क्लेम डिटेल्स बता रहे हैं लेकिन कंप्लीट जानकारी आप कमेंट की मदद से बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किन किन लाभार्थियों को पैसा टोटली मिल चुका है और बाकी पैसा कब तक दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा, दोस्तों के ऊपर शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।